स्वागत है आपका आवाज अड्डा वीकेंड स्पेशल में। और नए साल का स्वागत अगर अच्छे से किया जाए तो साल अच्छा गुजरता है। लेकिन अच्छे से क्यों करें, क्योंकि पिछला साल बहुत शानदार रहा है। मैं बात कर रहा हूँ वित्तीय वर्ष की, जो कि 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। जो बीता वित्त वर्ष था वो बहुत ही शानदार था इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए। जबरदस्त रिटर्न आए, काफी उतार चढ़ाव हुए, बीच बीच में झटके भी लगे, लेकिन साल की क्लोजिंग हमने बहुत ही धांसू की है, ज़बरदस्त की है। कुछ अंदाज़ा लगाइए आप, निफ्टी 27% की रैली करा है उसने एक साल में इस फाइनेंशियल ईयर में। सेंसेक्स में 24%, बैंक निफ्टी 15%। बैंक थोड़ा सा जिसमें हैवी वेट स्टॉक था वो कम चला, इस फिर भी 15% की रैली है। लेकिन जिसकी सबसे ज़्यादा आलोचना हो रही थी, जिसकी सबसे ज़्यादा बुराई हो रही थी, जिस पर सबसे ज़्यादा लोग उंगलियाँ उठा रहे थे, मिड कैप ने 60% और स्मॉल कैप ने 70% के रिटर्न मिले। इस तरीके के रिटर्न हमें FY24 में मिले हैं और FY25 का हम स्वागत कर रहे हैं इस उम्मीद में कि रिटर्न ऐसे ही मिलने चाहिए। मज़ा तो तभी है जब धमाकेदार रिटर्न मिले। और बहुत सारे ट्रिगर हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि FY25 में मार्केट में क्यों जैकपॉट लग सकता है। इसीलिए शो का नाम भी हमने रखा है कि FY25 में फिर से क्या जैकपॉट लगेगा। ये है आज की बड़ी पहेली जिस पर हम बातचीत करेंगे। इसको थोड़ा ब्रेकडाउन करें तो 3-4 पॉइंट्स हैं जिस पर हम बातचीत करना चाहते हैं। एक तो ये कि क्या एक और बड़ी रैली, एक बड़ी तेज़ी के लिए हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। दूसरा ये कि दुनिया भर में तेज़ी के संकेत हैं। दो बड़े मार्केट जिसमें से, अब मैं इंडिया को बड़ा मार्केट मान रहा हूँ, तो यह बड़ी तेज़ी, और अमेरिका में ज़बरदस्त तेज़ी। वहाँ पर जो सबसे बड़ा इंडेक्स है S&P 500, वो लाइफ हाई पे खड़ा है। उसने मतलब इतनी बड़ी रैली 3 महीने में 10% की दिखाई है, जो कमाल है अपने आप में। वहाँ साल साल भर के टारगेट दिए जा रहे थे 5200 5250, ऑलरेडी 5250 टच कर रहा है वो। तो अमेरिका में बड़ी तेज़ी है, उसके क्या संकेत माने जाएँ, किस तरीके से वहाँ के मार्केट को एनालाइज किया जाए, रेट कट का क्या होने वाला है, सब बातें हम करेंगे। दूसरा, हमारे मिड और स्मॉल कैप क्या एक बार फिर दिग्गजों को बीट करेंगे। अब मैं हिस्ट्री पर बात कर रहा हूँ, सामने डेटा है आपके, तो क्या इस साल फिर से यही तूफान होगा। और अंत में एक क्वेश्चन और जो आपके दिमाग में बार बार घूम रहा होगा कि आपने देखा होगा कि बड़े निवेशक और प्रमोटर्स ने खूब बिकवाली की है, तो क्या ऊंचे बाजार का फ़ायदा उठा रहे हैं, या इक्विटी एक अच्छा तरीका है कैपिटल रेस करने का, डेट नहीं लेना पड़ेगा, क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इन सब विषयों पर हम लोग बातचीत करेंगे एक एक करके। लेकिन पहले मेहमानों से आपका परिचय। सुंदरम म्यूचुअल फंड के MD CEO सुनील सुब्रमण्यम सर हमारे साथ हैं, सर का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जैन जी हमारे साथ हैं, SW कैपिटल के डायरेक्टर, पंकज जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और अनुराग सिंह अमेरिका से NSET कैपिटल के फाउंडर एंड CEO, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम थोड़ा यहाँ से शुरू करना चाहते हैं कि एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा कि FY25 में भी सुनील जी क्या जैकपॉट लगेगा। जैकपॉट को डिफाइन कीजिए, ऑफिस 2760 और 70 को ही जैकपॉट मानेंगे तो सर? मैं तो हमेशा मानता हूँ उससे थोड़ा और ऊपर। नहीं, मगर अगर आप 18, 25 एंड 30, 35 अगर रखेंगे एंड तो मैं, मेरे उम्मीद से हो सकता है, और उसी को आपको जैकपॉट मानना चाहिए, क्योंकि आपको इक्विटी मार्केट से इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न चाहिए भैया। उसमें से 20% 30% हो गया तो आप वापस 60-70 की उम्मीद, क्योंकि एक लोग बेस पे वो हुआ तो बेस भी बढ़ गई है अभी, तो वो याद रखने की जरूरत है। बट स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट रिटर्न जरूर बनेंगे ब्रॉडर मार्केट से। ओके, फिर से जैकपॉट लगेगा, तो क्या एक बड़ी तेजी की तैयारी के लिए हम रेडी हो रहे हैं और FY25 में बहुत सारे चीजें या इकोसिस्टम या कहें एनवायरनमेंट ऐसा बनता जा रहा है कि एक बड़ी तेजी बनेगी? देखिए, इकोसिस्टम में बिगेस्ट थिंग जो हो रहा है ही कि पर कैपिटा इनकम की बढ़त में सेविंग्स का अलोकेशन बढ़ रहा है अवे फ्रॉम बैंक्स इनटू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अभी म्यूचुअल फंड की देखिए, डिपॉजिट की अगेन शेयर 2010 में थी 13%, आज 27%, यानी रीअलोकेशन, पीपल बैंक डिपॉजिट से अपना सेविंग्स को अलोकेट कर रहे हैं टुवर्ड्स इक्विटीज, आइदर थ्रू म्यूचुअल फंड, थ्रू PMS, थ्रू AIF, डायरेक्ट इक्विटी स्टॉक, ऐसे भी। सेकेंड चीज जो हो रहा है कि आप देखेंगे तो द कंसिस्टेंसी ऑफ द फ्लोस, यानी लोग SIP के जरिए जो महीने में कर रहे हैं, ये फ्लोस का क्या है कि सडन प्रॉफिट बुकिंग, सडन एक मार्केट में डीप करेक्शन हो तो भाग के दौड़ जाना,
ये बातें नहीं होती है, क्योंकि एसआईपी में लोग शांत रहते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और उनके लिए फायदेमंद भी होता है, बिकॉज करेक्शन आता है तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग उनके काम आ जाता है। तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी चीज जो है, ये एसआईपी बुक जो आज 19,000 को छू रही है, मेरे ख्याल में अगले साल एंड तक एटलीस्ट 30,000 करोड़ बनना चाहिए। तो ये 19 to 30,000 करोड़ का फ्लोस, और अगर आप ब्रेकअप देखें, 50% ऑफ द इंक्रीमेंटल एसआईपी बुक आपको मिडिल स्मॉल कैप खरीदने वाले जैसे फंड्स में ही आ रहे हैं। तो ये एक सपोर्ट देगा फ्रॉम अ लिक्विडिटी टू द मार्केट। तो वो एक चीज है कि वर्चुअस साइकिल जो कहते हैं फ्लोस का, वो बढ़ रहा है। एंड द सेम टाइम इकोनॉमिक डेटा इंडिया का जीडीपी का हर महीने बेटर हो रहा है, और जब रिवाइज कर रहे हैं पिछले साल की जीडीपी, वो दिख रहा है कि और भी बेहतर थी जीडीपी। तो न्यूज फ्लो ऑन द डोमेस्टिक फ्रंट भी अच्छा है, लिक्विडिटी भी ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में ये जो स्टोरी है लिक्विडिटी ड्रिवन रैली, राइट, वो जारी रहनी चाहिए, क्योंकि स्टोरी इकोनॉमिक स्टोरी भी इंडिया की अच्छी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल पोलिटिकली, राइट, एक कंसिस्टेंसी हो, तो 5 साल का गवर्नमेंट का आउटलुक, पॉलिसी कंटिन्यूटी, ये एक बहुत बड़ी चीज है फॉरेन फ्लोज को भी आके इंडिया को अपनी स्टॉक मार्केट को सपोर्ट करने के लिए। ओके, इंटरेस्टिंग है ये है। पंकज जी, क्या आपको भी लगता है कि जैसे सुनील सर कह रहे हैं कि कम से कम 50% और एसआईपी बढ़ जाएगी, 30,000 करोड़ तक पहुंच जाएगी अगले साल के अंत तक, तो ठीक है, जैकपॉट शब्द को अगर आप लिटरली ना लें, तब भी 20-25-30% की ग्रोथ यहाँ से आराम से मिलने में कोई दिक्कत लगती है आपको पंकज जी? नमस्कार नीरज जी। नीरज जी, मैं इस सवाल को और इस जवाब को कुछ इस तरह पुट करूंगा कि मार्केट काफी इनकरेजिंग है, मार्केट में मोमेंटम है, मार्केट में लिक्विडिटी है, मार्केट में पार्टिसिपेशन, चाहे हम देखें रिटेल पार्टिसिपेशन हो, यंगर यूथ पॉपुलेशन हो, परसेंटेज ऑफ सेविंग्स जो डाइवर्ट हो रही है टुवर्ड्स से इक्विटी मार्केट फ्रॉम से फ्रॉम बैंक्स और अदर काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब चीज़ों का रुझान पॉजिटिव है। और मेरे को नहीं लगता कि आने वाले वर्ष में, वर्ष 2025 में, वित्त वर्ष 2025 में इसमें कोई एक बहुत बड़ा डेंट आने वाला है। बट वी शुड नॉट बी ब्लाइंड टू द सॉर्ट ऑफ स्पीड ब्रेकर्स विच कुड सॉर्ट ऑफ कम इन द मार्केट्स में। और उसमें जो दो तीन बड़े इश्यूज हैंगे, हमारे तो इलेक्शंस हैं डेफिनेटली अगले 1.5-2 महीने में, उसके अलावा वर्ल्ड में भी काफी सारे मेजर इलेक्शंस हैं, इवन यूएस में अक्टूबर नवंबर में मेजर इलेक्शंस होंगे। सो बहुत सारी चीजें हैं जिनका समीकरण और ज्यादा पॉजिटिव भी हो सकता है, एंड दे कुड डेंट द सॉर्ट ऑफ राइड इन द मार्केट। बट ओवरऑल मेरे को लगता है कि समीकरण काफी पॉजिटिव है, और कोई ऐसा मेजर कारण नहीं है कि जिस तरह के अच्छे रिटर्न हमारे को पिछले 1-1.5 साल में मिले हैं, इस तरह के सिमिलर रिटर्न्स ना मिले। बट वन विल हैव टू बी कॉशियस, इट विल नॉट बी अक्रॉस द बोर्ड। अगर अभी भी हम देखें जो पिछले 1-1.5 महीने में हमने स्मॉल और मिड कैप में एक रूथलेस करेक्शन देखी थी, अगर हम देखें नीरज जी जो क्वालिटी मिड कैप्स हैं, आई थिंक दे हैव अगेन सॉर्ट ऑफ कम बैक, और दे हैव स्टार्टेड टू कम बैक, और काफी डिसेंट लेवल्स पे आ गए हैं। बट अगर आप स्मॉल कैप में जाएंगे, देर आर मेनी स्मॉल कैप स्टॉक जो मेरे को लगता है कि जिस लेवल से वो डेंट हुए थे और जो नीचे आ गए हैं, उनमें भी रिकवरी पाथ नहीं आ रहा। और एंड हिस्ट्री हैज टोल्ड अस, हमने देखा है हिस्टोरिकली काफी सारे ऐसे स्मॉल कैप मिड कैप्स होते हैं जो ऑब्लिवियन में चले जाते हैं कि वंस द पार्टी इज ओवर फॉर दोज पर्टिकुलर स्टॉक, दे डोंट टेंड टू राइज। तो उस चीज से सचेत रहना पड़ेगा, चाहे वो नया इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, मोमेंटम इन्वेस्टर हो, उस चीज से सचेत रहना पड़ेगा। सो टू सम इट अप, मेरे को लगता है कि क्वालिटी काफी इंपॉर्टेंट है, सेक्टर्स रोटेशन, सेक्टर आइडेंटिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर पिछले 6-8 महीने में कोई एफएमसी सेक्टर में बना हुआ था, डजेंट मैटर, हिस्टोरिकली बहुत अच्छे स्टॉक्स थे, समथिंग लाइक से एचयूएल और ब्रिटानिया, बट कोई खास रिटर्न नहीं दिया। सो वन विल हैव टू आइडेंटिफाई द गुड सेक्टर्स, वन विल हैव टू आइडेंटिफाई द गुड मिड कैप्स, एंड वन विल हैव टू स्टे अवे फ्रॉम डेफिनेटली पुअर क्वालिटी स्मॉल कैप्स। पंकज जी, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एक रिस्क हो सकता है, यूएस में इलेक्शन है नवंबर में, बट यूएस के इलेक्शन वाले ट्रंप भी जीत जाएं तो हमें उससे क्या फर्क पड़ेगा, मार्केट क्यों डिरेल होगा उससे? मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। अदर डे आई वाज रीडिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल ऑन इंटरनेट, उसमें यही, एंड दैट आर्टिकल वॉज समथिंग टू डू विद एनर्जी शील्ड, समथिंग टू डू विद थर्मल पावर, समथिंग टू डू विद राइजिंग कोल प्राइजेस।
तो उसमें एक बड़ी अच्छी चीज मेरे को पढ़ने को मिली, उनमें ये लिखा हुआ था कि अगर यूएस में जो कमिंग इलेक्शंस हैं एंड जिसमें ऐसा अभी तक ऐसे रुझान आ रहे हैं कि शायद मिस्टर ट्रंप थोड़े आगे हैं, एंड इफ दैट हैपेंस सो देन जो यूक्रेन वॉर है कि यूक्रेन वॉर में उस अगर ऐसा इवेंट अनफोल्ड होता है, दीज आर ऑल हाइपोथेटिकल काइंड ऑफ सिनेरियो, अगर ऐसा इवेंट अनफोल्ड होता है और ट्रंप जी जीत के आते हैं तो यूक्रेन वॉर में विराम बहुत जल्दी आ सकता है बिकॉज ऑफ रीजंस व्हिच मोस्ट ऑफ द पीपल नो, और अगर वो विराम आ जाता है तो ये जो इस टाइम जो कोल के प्राइसेस मिल रहे हैं, जो पूरे यूरोप में दोबारा से थर्मल पावर प्लांट हो गए चालू हो गए थे ऑन इमरजेंसी बेसिस, उनमें सीरियस थमाव आ सकता है, एंड ऑल दिस थर्मल काइंड ऑफ सिनेरियो, ऑल दिस कोल प्राइसेस काइंड ऑफ सिनेरियो, से समथिंग लाइक अ कोल इंडिया और एनटीपीसी काइंड ऑफ स्टॉक, दे कुड सी सीरियस करेक्शन. सो दीज आर द काइंड ऑफ इवेंट्स जो कि अगर हम थोड़ा सा दूर का विजन रखें तो वन विल हैव टू बी केयरफुल अबाउट दीज काइंड ऑफ इवेंट्स. तो जैसा मैंने कहा कि सेक्टर को आइडेंटिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, पुअर स्मॉल कैप मिड कैप से दूर रहना पड़ेगा. सो इट इज नॉट यू कैन जस्ट पेंट अक्रॉस द ब्रश एंड यू कुड से कि आई वुड मेक मनी एवरीवेयर एंड एनीवेयर. वन विल हैव टू बी स्टिल वेरी कॉशियस, बट मनी इज टू बी मेड, बट थोड़ा सा इंटेलिजेंटली मार्केट में रहना पड़ेगा. ओके अनुराग, आप